नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन पर। आप देख रहे हैं हमारी खास कवरेज मोदी पर देश का मूड, और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और आज मोदी पर देश का मूड क्या है ये जानने के लिए हम हरियाणा के गुरुग्राम आ पहुंचे हैं। गुरुग्राम के सोना चौक और उसके साथ लगते सदर बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ सदर बाजार में जनता का मूड क्या है, तो आइए चलते हैं। बढ़िया चल रहा है जी। सरकार कैसी चल रही है देश में? सरकार भी ठीक ही है, सरकार भी ठीक ही है। क्या किया जाए? 24 में किसको लाइएगा? हाँ जी, मोदी था मोदी रहेगा, मोदी था मोदी रहेगा। ऐसा क्यों? हाँ जी, इतना कन्विक्शन क्यों? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जी? चल के आपके ग्राहक से पूछ लेते हैं, क्या लगता है कैसी चल रही है सरकार? सरकार अच्छी चल रही है बस। 24 में किसको लाएंगे? देखते हैं कौन आएगा 24 में। जनता करेगी उसको। तो जनता तो करेगा, अभी तो जनता है। नहीं, हम तो जनता है, हम तो देखते हैं जो हमारे लिए सही करते हैं हम तो उसको ही लाएंगे। अभी कौन है मन में? मन में तो हमारे राहुल गांधी है जी। राहुल गांधी क्यों पसंद है ये तो बता। उससे काम अच्छे हैं, वो बंदा ही अच्छा लगता है बस। बंदा ही अच्छा नहीं है। देश कैसा चल रहा है? देश बहुत बढ़िया चल रहा है। देश में क्या कमी है? देश का नाम तो और ऊँचा हो गया, बढ़िया हो गया। अच्छा, बिल्कुल। ऑब्वियसली मोदी जी की वजह से। और किसकी वजह से? आपके लिए क्या किया? हम कॉमन मैन है और हमें बस बिजनेस करना है और ठीक चल रहा है। कितनी सीटें आएंगी बीजेपी? भाई वो तो कह रहे हैं 400 पार, बाकी देखते हैं समय बताएगा। ठीक है, वो कर रहे हार्ड वर्क। देखो क्या विपक्ष इतनी कमजोर स्थिति में है कि 400 पार पूरा हो जाएगा? भाई विपक्ष वाकई में ही नो डाउट, कोई विपक्ष का नेता है ही नहीं जो कुछ बोल पाए। तो जब कुछ होगा नहीं तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप वोट देने जाओगे तो किसको दोगे? तो बेसिकली मोदी जी को ही वोट देंगे, नो डाउट। विपक्ष ही नहीं। तो ये मजबूरी है, पसंद? नहीं नहीं, पसंद है जी, मजबूरी नहीं है। मोदी जी अल्टीमेट वन मैन शो है। तो चलिए वन मैन शो की यहाँ बात हो रही है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बाजार में क्या मोल भाव हो रहा है, क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं? कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, खरीदारी कर रही हैं, उनसे जानते हैं कि क्योंकि महिलाओं की आदत होती है कि बड़ा खोज करके, बड़ी पड़ताल करके चीज़ों को खरीदती हैं। इस वक्त भी वही खोज पड़ताल चल रही है। 2024 में वोट करेंगी? नहीं, हम तो अभी आए हैं। कहाँ से आई हैं? मैं वहाँ से, कृष्णा कॉलोनी से, गीता भवन से। हाँ, तो 24 में वोट तो करेंगी, प्रधानमंत्री बनाएंगी? हाँ बिल्कुल। किसको? अब देखो किसको बनाते हैं। कौन पसंद है? नेता कौन सा पसंद है? नेता तो हमें मोदी पसंद है। क्यों? और क्या, सही अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके लिए क्या क्या, महिलाओं के लिए क्या क्या? महिलाओं के लिए सब कुछ कर रहे हैं, गाँव में भी देखो सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ भी फ्री राशन दे रहे हैं। अच्छा, मोदी जी वन मैन आर्मी है, यहाँ आप वन मैन शो चला रहे हैं? नहीं, वन मैन आर्मी ही है इस टाइम, मोदी जी ही वन मैन आर्मी है, और इस देश को जरूरत भी सिर्फ वन मैन आर्मी की है। और हम तो ये चाहते हैं कि एक बार 10 साल के लिए राजतंत्र हो जाए। जब तक राजतंत्र, हमारे खून में ना बेईमानी समा गई है। आपको पता है लोकतंत्र कितनी मेहनत से मिला है? मैडम जी, मिला है, लेकिन जरूरी है कि दोबारा 10 साल के लिए एक आदमी को फुल पावर दिया जाए। हमें सब कुछ पता है, और मैं ग्रेजुएट किया हुआ हूँ, इसलिए सब कुछ मुझे पता है। वो तो पता ही है, इसीलिए आप राजतंत्र। हाँ, क्योंकि हमारे खून में बेईमानी बसी पड़ी है, और ये जब तक वोट की राजनीति बनती रहेगी और कोई भी आदमी इसको पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए जरूरी है। लेकिन लोकतंत्र के लिए खून का बलिदान दिया है, लोकतंत्र समाप्त करने के लिए कौन कह रहा है? मोदी जी को 10 साल के लिए वॉकओवर दे दिया जाए, लोकतंत्र खत्म करने की तो बात ही नहीं है। जब तक ऐसा नहीं होगा तो कोई और दूर दूर तक क्यों नहीं नजर आता? कोई है ही नहीं, सबको अपनी अपने पेटों की चिंता पड़ी है। यात्रा हो रही है तो सारे, अब यात्रा तो 100 सालों से कर ही रहे हैं। नेहरू जी करके चले गए, इंदिरा जी करके चले गए, राजीव जी करके चले गए, अब ये राहुल जी कर रहे हैं, तो ये तो होती रहेगी। अभी इनका कुछ नहीं होने वाला है, बहुत टाइम लगेगा। अब इनको कम से कम 20 से 30 साल लगेगा। तो ये 10 साल में ज़्यादा हुआ है, 60 साल में? नहीं, 10 साल में तो ज़्यादा हुआ है, 60 साल में तो नहीं हुआ था कुछ भी। हुआ है मगर बहुत अच्छा भी हुआ है, मगर खपलेबाजी बहुत है। तो वोट डालने पे सोच सकते हैं आप? डाल देंगे। किसको डाल देंगे? उसी को डाल देंगे, एक ही को डाल सकते हैं, और किसको डाल देंगे? मोदी को डालेंगे, और किसको डालेंगे? कमल के फूल को डालेंगे, बस। कमल के फूल को बस, कोई और ऑप्शन नहीं, ऑप्शन दिखता ही नहीं कोई। प्रधानमंत्री तो देखो मोदी जी ठीक है, बाकी उसके जो बंदे हैं ना वो नीचे ठीक नहीं है। अकेला आदमी क्या करेगा? अकेला आदमी तो बढ़िया है, लेकिन है तो वन मैन शो। टाइम, नेता कौन सा पसंद? मेरे लिए मोदी ठीक है। मोदी ठीक है क्यों? बस सरकार, उन्होंने बहुत सारे फायदे किए हैं, जैसे कि हमारी सरकार ने हमारे लिए बहुत सारे फायदे कर रखे हैं। महिलाओं के लिए क्या? महिलाओं के लिए, हमारे लिए, हमने उसमें
फॉर्म भरे थे हमें मशीन मिली है। देश कैसा है जी? देश अच्छा है, सरकार कैसी है? सरकार बढ़िया है। कौन सी? ये मोदी की जी। मोदी की? हाँ, और कोई नहीं? मोदी की सरकार सही है जी। कहाँ से है? ये मोहम्मदपुर गांव से, गुड़गांव से। गुड़गांव से? हाँ। गुड़गांव कितना बदल गया? काफी बदल गया जी, काफी बदल गया। पहले तो हम ग्रामीण इलाके था, तो काफी विकास है, हर चीज में बदलाव है जी। हर चीज का बदलाव आ गया सब। रहने में महिला के लिए अब जैसे नौकरी वोकरी, महिला को काम वाम अच्छा मिलता है, सब कमाते हैं। पहले नहीं था ना, अब तो सब लेडीज भी नौकरी कर सकते हैं, पहले नहीं करते थे सब, पहले घरों में ही काम करते थे। कितनी सीटें आएंगी मोदी सरकार? वैसे तो मोदी हर जुबा पर मोदी का ही नाम है, बाकी तो अब देखना क्या है, क्या होता है इसे आगे। हर जुबा पर मोदी का नाम है, मोदी की जुबान पर तो 400 पार का नारा है। अब ये नहीं कह सकते जी कितना है, ये नहीं कह सकते कितना। तो क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री 24 में कौन होंगे? मोदी होंगे। ये मजबूरी है, पसंद है? नहीं, मजबूरी क्यों, पसंद ही है। अच्छा। सारे काम तो हो ही रहे हैं, इंटरनेशनल तक पहुंच हो गई अब तो, पहले क्या था, कुछ नहीं था, काफी डेवलप तो हुई है। कितनी सीट आएगी? अब सीट का क्या बता सकते हैं आप, वैसे अगर मोदी जी कह रहे हैं 400 प्लस तो आनी चाहिए अगर उनको भरोसा। जो मोदी जी के एक्शंस हैं, जो उनके जो रिप्लाइज है वो क्विक होते हैं, उसमें कोई डिले नहीं होता, और अभी तक जो चल रहा है तो आई थिंक वो बहुत अच्छा चल रहा है, इन फ्यूचर भी सब ऐसे ही चले, तो इसलिए मैं तो अपना पर्सनली एक व्यू बताऊंगा कि मोदी जी ही आने चाहिए। पूरा भरोसा है हमें तो, बस ऐसे ही। मैं यूपी से। बहुत कुछ बदला है मोदी जी ने, जैसे कि अभी जो सिलेंडर की मोदी जी ने स्कीम निकाली है, और जो लाडली योजना निकाली है मोदी जी ने, उसके लिए भी काफ़ी बदलाव आया है। गुरुग्राम में भी बदलाव आया है, और भी जो हमारे भारत में है बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जैसे कि अब स्पेशल तो यही ले लो, अयोध्या जो थी उसका एक मोदी जी ने मतलब बनाया कि भाई ये हमारे लिए एक खास दिन है, उसके लिए हरियाणा की भी छुट्टी है, मतलब पूरे देश ही बंद रहेगा, उससे जुड़ी मतलब बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने। और हम यही चाहेंगे कि इस मतलब हमारा जो देश का प्रेम रहे वो मोदी जी ही रहे। बिल्कुल। महिलाओं के लिए क्या कैसा खास हुआ है गुरुग्राम में, हरियाणा में? देखो, पहले जितने क्राइम वगैरह होते थे अब उससे कम होते हैं वैसे तो, क्योंकि हर स्टॉप पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं। ये महिलाओं के लिए ही है, महिलाओं का हेल्पलाइन नंबर आया है, उन पर काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिली हैं महिलाओं को। भाई मोदी राज में, जो मोदी का राज है, बहुत अच्छा राज चला रहे हैं जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं ये मोदी जी, और हमें ऐसा फख्र है जो आज के जो राम मंदिर बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा धर्म स्थल बन गया वो वहाँ का, अयोध्या का। और जो मोदी जी ने जो काम किए हैं, ये पूरी ज़िंदगी हमारी होल ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा जो मोदी ने काम किया है। हम तो मोदी के शुक्रगुजार हैं कि हमारे बच्चों को भी राम राम, जैसे राम करना सिखा दिया। ये तो हमारे बच्चे राम राम नहीं ओके बाय करते थे, अब वो राम राम करते हैं हमारे से, जैसे राम करते हैं। तो हमें तो बड़ा फख्र है देश के लिए, भाई ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला, और ऐसा ही काम आगे चलता रहे तो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी आगे हमेशा आती रहे तो हमारे लिए फख्र की बात है। हम तो कहे कांग्रेस की माननी चाहिए, अच्छी है वो सरकार। 10 बरस हो गए, जब मैं 1500 रुपये कमाता था, अब 500 नहीं बनते, सारे दिन बैठा रहता हूँ। गरीब मरता जा रहा है, अमीर बढ़ता जा रहा है, अब खर्चे ज़्यादा हैं और कमाई है नहीं। 10 साल में सुधार नहीं हुआ देश में? हमारा तो होया नहीं, बाकी जो अमीर लोग हैं उनका हो रहा है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस। किसकी लाठी? मोदी की है, मोदी की लाठी है, भैंस वही ले जाएगा। अच्छा, विपक्ष के पास चेहरा है? चेहरे तो बहुत हैं। अगर आप कांग्रेस को वोट करेंगे तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? कोई भी बन सकता है, एक से एक पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब मनमोहन सिंह कम थे, सबसे अच्छे थे। इसमें किसकी डुगडुगी बज रही है देश में अभी? तो मैम जी, मोदी जी की बज रही है, मोदी जी की बज रही है, और किसकी बज रही है जी? और उन्हीं की बजती रहेगी, देख लीजिए, आपके सामने ही है। कोई और पसंद नहीं है अभी तक? तो नहीं आए इनके लायक में कोई। अच्छा जी, उनके लायक कोई है ही नहीं।
आया कहाँ, उनके बराबर आया, आप ही बताओ। तो बाकी पार्टियां जो दावे कर रही अब करने के लिए तो ऐसे करते रहेंगे। आपकी पसंद कौन है? मोदी है हमारी, तो बीजेपी सरकार मोदी की आनी चाहिए। बढ़िया, हाँ बढ़िया काम कर रहा है। मंदिर बनवा दिया उसने, लोगों ने अभी तक मंदिर नहीं बनाया, नोट पुराने के नहीं करवा दिए, और इससे बढ़े क्या होगा। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गया चीज का दाम, अब इसको बात बोल रहे। हम तो देखा था 14 में क्या था और आज 24 में क्या है। तो ये अच्छे के लिए है, बुरे के लिए? आपकी हिसाब से क्या है? आप बताइए। नहीं मैं बताऊंगा ना, आप बोलिए। आप 520 रुपया का गैस 1100 रुपये में खरीद कर रहे हैं, आपके लिए क्या लग रहा है? वो तो सबको वही देना पड़ रहा है ना। मैं तब क्या बोल रहा हूँ, देना पड़ रहा अलग बात है, किंतु क्या हो रहा है, कोई बोलने वाला है? प्रधानमंत्री रिपीट करेंगे 24 में? हाँ क्यों नहीं, क्यों पसंद है आपको? पसंद है कौन मंत्री हमारे? कौन से? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, हाँ जी। क्यों पसंद है? सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, हम हिमाचल के हैं। हिमाचल से? हाँ जी। गाँव को कितना बदला देखा है पिछले 10 साल में? काफी बदलाव देखा हमने इसमें, रोड कितने टूटे फूटे थे, काफी रोड हाईवे निकल गए हैं। तो कौन होगा प्रधानमंत्री आने वाले इसमें? तो अभी तो नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी, जी। अभी तो कोई भी नहीं है उसकी टक्कर में, तो है नहीं कोई। इसके भविष्य की जब चिंता करते हैं तो कौन सा नेता लगता है कि इसके भविष्य के लिए सेफ है? मोदी जी सेफ है, मोदी जी सेफ। देश की सरकार बनाने की जब बारी आएगी तो क्या उतना परखा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। बनाएंगे? क्यों, मैं क्यों बताऊं? आएगा तो मोदी। सीक्रेट वोटिंग? व्हाई? नो, इट्स ओपन एंड इट्स एक्सट्रीमली ओपन, लाइक इट विल बी मोदी विदाउट डाउट विदाउट क्वेश्चन। दिल्ली में मोदी। अच्छा ये इतना डाउट फ्री क्यों है, इतना क्लियर और क्रिस्टल क्लियर? मैं आउट ऑफ इंडिया जॉब करती हूँ, ठीक है, एज एन NRI हमें पता है हम क्या स्ट्रगल करते हैं। एम्बेसी हमारे जवाब नहीं देती थी सवालों के, हम वहाँ पे अगर कहीं फंस जाते थे तो कोई हमसे पूछता नहीं था, कोई हमें गाइड नहीं करता था, कोई सुपरवाइजर। आज की सिचुएशन ये है कि अगर हम सिर्फ एक मेल डालते हैं हमें जवाब आता है, हमारा डेटा एम्बेसी के पास अवेलेबल है, वेन एवर वी नीड देयर फॉर अस। एक छोटा सा एग्जाम्पल, इफ़ देर इज़ अ इशू तो हमें पता है कि गवर्नमेंट इज़ स्टैंडिंग फॉर अस, तो इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद करते हैं? हम सीधा बोलते हैं, सीधा है भाई, मोदी। आँख बंद करके ब्लाइंड वोट, कोई भी वोट देगा इट विल बी मोदी। अभी मंदिर का भी अरेबिया कंट्री में जो है उद्घाटन आया ही मंदिर है? मैं अभी जाके आई मंदिर, मंदिर? अयोध्या, रामलला को देख के बिल्कुल सामने देख के आई, अभी तो अगले हफ्ते आई हूँ। आप भी वोट करोगे मोदी? मैं तो रहने वाली यूपी की हूँ, मेरा योगी है ऑल मोदी। अच्छा। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए केजरीवाल। देखो नहीं नहीं, केजरीवाल सही है, क्योंकि अगर गलत नहीं है तो मुझे कैसे पता है कि क्या सही है। वो केजरीवाल है इसलिए हमें मोदी की कदर है, हमें यह पता है कि एटलीस्ट हिंदुस्तान दिल्ली नहीं बन सकता। अखिलेश यादव भैया जी विधायक हैं हमारे, लेकिन सिर्फ अपने खानदान के लिए, ठीक है ना? तो भैया जी नहीं आएंगे, अब फर्स्ट टाइम वोटर हैं, मोदी ही आएगा और कोई नहीं आएगा। नहीं ये और कोई क्यों नहीं आएगा, मतलब देश बहुत सारे रीजंस हैं। मैं यूपी में रहती हूँ, AMU का बुरा हाल रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, बट अब बिकॉज वहाँ पे योगी है तो वहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा अच्छी हो रखी है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। बीइंग अ गर्ल अकेले वहाँ रह रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को निकलती हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो आई थिंक अच्छा काम है। प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन आपका, आगे कौन आएगा? बात सही है, बारात चल रही है, बहुत अच्छी बात है, पहले दूल्हा डिसाइड करो, घोड़ी डिसाइड करो, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, ठीक है ना, 30 अलायंस में अगर पार्टनर्स हैं तो 5 साल में तुम 2-2 महीने के लिए डिवाइड करोगे, 2 महीने अखिलेश रहेंगे, 2 महीने खड़े हुए हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, 2-2 महीने के लिए PM बदलेगा। ना चुनाव है आंगन टेढ़ा। यस सर, मैं उधर क्या बोलूँ, मैं तेईस शकल देख के बोलूँ। हाँ सही बात, क्या वो है नाच नावे आंगन टेढ़ा, ये बनेंगे मोती जी, जो ढोल पीटते रहेंगे, मैं भी पीटते रहेंगे, आप भी पीटते, योगी मोती आएंगे बस। कैसी चल रही सरकार और कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है माहौल। माहौल बढ़िया? हाँ। सरकार कैसा काम कर रही है? अभी तो ठीक ही कर रही है। हाँ मोदी को, मोदी को लाएंगे, अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है?
बढ़िया काम करता है। महिलाओं के लिए क्या किया? वैसे तो खास नहीं, पर देश के लिए तो अच्छा ही कर रहा है। जैसे कि राम मंदिर बना दिया, और भी कोई अच्छे काम करेंगे आगे भी बनेंगे। तो पसंद नेता प्रधानमंत्री के तौर पर कौन पसंद? प्रधानमंत्री अपने जो हैं इस टाइम के अंदर वो परफेक्ट हैं। कौन? मोदी साहब। मोदी साहब वो परफेक्ट हैं, वही आने चाहिए, अच्छी बात है। राहुल गांधी ने 60 साल के अंदर जो कर लिया वो उन्होंने कर लिया, उनकी दादी से लेके उनके नाना जैसे लेके जो उनका करना था वो कर चुके हैं। मोदी आएंगे 24 में दोबारा? मोदी आएंगे 24 में। प्रधानमंत्री कौन होंगे? मोदी होंगे, होंगे ही होंगे, जो काम करेगा वही आएगा। बाकी काम नहीं करते? करते होंगे अपने ढंग से, उनका अपना ढंग अलग ही है। आपको मोदी का ढंग पसंद है? अच्छा अच्छा, नाइस आदमी। अच्छा, आपने तो क्योंकि आप इतनी उम्र हो गई है, देश को बनते बिगड़ते आपने देखा है, तो 60 साल में ज्यादा काम हुआ या 10 साल में आप देखा? 10 साल। ऐसा क्या हुआ है? बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, आप इमेजिन कर लो। है कि एक जगह मोदी के नाम पर वोटिंग की बात हो रही है, और एक जगह स्थानीय जो लोकसभा के खुद के कैंडिडेट्स हैं जिनको चुना गया है, तो अभी राव इंद्रजीत हैं गुरुग्राम से, तो उन्होंने कैसे यहाँ का पक्ष रखा है? आई एम रियली फॉलोअर ऑफ राव इंद्रजीत बिकॉज ही इज द डेड ऑनेस्ट पर्सनैलिटी इन द पॉलिटिक्स। I am his follower. कितने साल से वो सब कर? Since he is in politics, since 1977. Yet to see such a intelligent and honest politician. He may be in Congress, he may be in Bhajpa. I am his follower. तो अगली बार भी लगता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अगर कैंडिडेट चुनती है? I will vote for Rohinderjit Singh because of his honesty. तो देखिए, ये बहुत कम होता है कि जब लोग जो हैं अपने नेता को भी जानते हैं, क्योंकि बहुत बार ये है कि मोदी के नाम पर वोट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर बात करें गुरुग्राम की, तो इस वक्त जो देख रेख कर रहे हैं जो एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो राव इंद्रजीत हैं गुरुग्राम से, और उनके भी फैंस यहाँ पर हमें मिले, तो उनका कहना है कि हम अगर वोट करेंगे तो राव इंद्रजीत के नाम पर वोट करेंगे। लोगों की राय क्या है, वो किस नेता पर भरोसा कर रहे हैं, वो किस नेता को दोबारा से लाना चाहते हैं या किसको बदलना चाहते हैं, ये हमने आप तक पहुंचाया। और इसी तरह इस खास पेशकश के जरिए देश के कोने कोने में जाएंगे और आपको बताएंगे कि मोदी पर जनता का, मोदी पर देश का मूड आखिर है क्या। फिलहाल इस खास पेशकश में मुझे इजाज़त दीजिए, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।